तो ये एक ट्रेंड गजवाए फ्रांस है। यहां पे तुर्की बैठा है गजवाए फ्रांस को ऑर्गेनाइज, गजवाए यूरोप को ऑर्गेनाइज करने के लिए, वहां पे पाकिस्तान बैठा है गजवाए हिंद के बिल्कुल लिए। सही बात। अभी 3 दिन पहले बकरा ईद गुजरी है। बकरा ईद हिंदू रीति के हिसाब से बहुत गलत है, क्योंकि हिंदू रीति में खून बहाना गुनाह है, पाप तो जंगल में शेर घास थोड़ी खाएगा, मासी तो खाएगा। अच्छा शेर तो मासी खाता है, घास का खाता है, आप शेर हैं। और यहाँ पे आपने देखा कि खून की नदियां बहाई जाती हैं, लेकिन किसी एक हिंदू ने पत्थर मारा, किसी एक हिंदू ने रुकावट डाली। लेकिन आप सिर्फ पिछला एक साल देख लें तो राम जन्म उत्सव पे, हनुमान दिन पे गणपति जो पूजा होती है, दिवाली होली, सब पे पत्थरबाजियां हुई हैं। क्योंकि फ्रांस के कानून ने, जो कि हाल ही में पास हुआ था, उस कानून ने फ्रांस की पुलिस को, नाजरीन, ये बाकायदा तौर पे एक मैंडेट दे रखा हुआ है कि वो जब चाहे, जिस तरह चाहे, वो किसी भी शख्स पे गोली चला सकती है। ये आर्टिकल है L435/1। सोचना पड़ेगा मुसलमानों को कि जहां मुसलमान है वहां क्लैश क्यों हो रहा है, क्या वजह है कि एक तरफ फ्रांस तुम एक भूखे नंगे मुसलमान को अपने अंदर आने की इजाजत भी दे रहा है, क्योंकि वो यूनाइटेड नेशन के रेफ्यूजी प्रोटोकॉल से बंधा है, वो मना नहीं कर रहा है ऑस्ट्रेलिया की तरह, लेकिन दूसरी तरफ उसी के साथ आपका ओवर अ पीरियड ऑफ जनरेशन क्लैश पैदा हो रहा है। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। तो जो फ्रांस ने गलती कर दी थी शांति दूतों को लेकर, उसकी जो भोग रहा है फ्रांस, आज भी वो पूर्ति नहीं कर पा रहा है। 7 करोड़ के फ्रांस में 50 लाख शांति दूत हैं, जिसमें से 5 लाख रिफ्यूजी हैं। उन रिफ्यूजियों ने ही फ्रांस को दांतों तले चने चबवा दिए हैं। इन शांति दूतों ने भाई 500 से ज्यादा घर, 2000 से ज्यादा बसेज, 250 से ज्यादा जो उनके अफसर से वो इंजर्ड हो रखे हैं। और इतना ही नहीं, पूरे ट्रेंड शांति दूत आए हुए हैं, जो की AK-47 और बम बारूद लेकर भी फ्रांस में तबाही के लिए जा चुके हैं। अब पता नहीं भाई ये मंजर कहां पर जाकर रुकेगा। तो फ्रांस है, फ्रांस मांग रहा है भाई साहब मोदी जी की हेल्प कि योगी जी को 24 घंटे के लिए हमारे पास भेज दो, तो ये शांत करवा सकते हैं। और दूसरी जानिब से उन्होंने बोला है कि भाई किसी भी देश ने अब तक कोई भी ट्वीट नहीं किया कि ये रुकना चाहिए। आप लोग क्या रिकमेंडेशन जो रखे, जैन जवाहर, वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू को अपने देश में सेलिब्रेट नहीं करने दिया जाता, मुसलमानों के मजे से हो रहे हैं पीसफुली, सब सड़कों पे नमाज हो रही है, सब कुछ। तो आपके लिए ये नई चीज नहीं है, लेकिन ये मॉडस अपरेंडी है। हम फलस्तीन में देखते आए हैं, हम इंडिया में देखते आए हैं, और यूरोप में अभी तो इंग्लैंड बाकी, अभी देखिएगा क्या होना है। बिल्कुल सही। आज ये एहसान फरामोश क्या कर रहे हैं। और रहा सवाल जो फ्रांस में हो रहा है ना, तो देखें एक बात मैं आपको बता दूं कि रॉकेट लॉन्चर से हमले हो रहे हैं, बाकायदा पूरे पूरे लाइब्रेरियों को, सबको आग लगा रहे हैं। अदिति जी, आम आदमी के बस की बात नहीं है, ये बाकायदा ट्रेंड लोग हैं। अब ये कौन लोग हैं ये मैं आपको बताता हूं। ये कहता है, और ये 2017 में कानून पास हुआ था, ये कहता है कि पुलिस डेडली फोर्स का इस्तेमाल कर सकती है, और अगर 2 दफा ऊंची आवाज में किसी को बुलाने पे वो शख्स पुलिस की बात नहीं सुनता, मतलब पुलिस ने किसी को अपनी तरफ बुलाया 2 दफा ऊंची आवाज में, पुलिस ने किसी को रुकने का कहा 2 दफा ऊंची आवाज में, कुछ करने को कहा 2 दफा ऊंची आवाज में, और अगर वो सिविलियन वो काम नहीं करता है उसके बावजूद भी, तो पुलिस के पास इख्तियार है, उसके पास चॉइस है कि वो शख्स उस पर गोली, वो पुलिस वाला उस पर गोली चला सकता है। यही पुलिस, इस कानून से लोग नफरत करते हैं। लोगों का जो इस वक्त इश्तियाल है वो ट्रिगर तो होता है नाइल, 17 साल नाइल की मौत से, मगर वो इस कानून से नफरत करते हैं, इस जबर से नफरत करते हैं। अच्छा नाज़रीन, अब होता ये है कि इस वक्त जो है वो जो फ्रांस का डिफेंस मिनिस्टर है, ये मामला तब मजीद भड़क गया जब फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर ने पुलिस की इस हरकत को डिफेंड कर दिया। उसने ये कहा कि हम पुलिस के इस कानून के को खत्म करने के हक में नहीं है, ये कानून बिल्कुल ठीक है क्योंकि इससे पुलिस वालों की जानें बचती हैं। माजी में पुलिस वालों को भी मारा गया है उन लोगों की तरफ से जो कहने पर नहीं रुकते थे, इसलिए उसने इस कानून को डिफेंड किया। और उसने ये जरूर कहा कि ऐसा होना नहीं चाहिए था, उसको उसको अवल तो रुकना चाहिए था पुलिस के बुलाने पे, और अगर वो नहीं भी रुका तो इनको गोली नहीं चलानी चाहिए थी। खफीफ सा बयान देकर उसने अपनी जान छुड़ा ली। मैं मानता ही नहीं इस चीज़ को कि इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हो। आप क्या कहते हैं, इंडिया के साथ रिलेशन खराब होने चाहिए क्योंकि हिंदू कभी मुसलमान का जंग कर ले हिंदुओं के साथ? नहीं, जंग तो नामुमकिन है। फिर क्या हाल है? हाल यही है कि कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए, फिर कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए फिर सुलह की तरफ चले जाए ना जी, बेहतर। पाकिस्तान के मुसलमान के लिए कभी भी बेहतर नहीं हो सकते। सर, असे के अंदर कौन सी कौम की ज़्यादा रिस्पेक्ट देखी आपने, पाकिस्तानीज की या फिर इंडियंस की? इंडियंस की। व्हाई इंडियंस? सैडली, अनफॉर्चुनेटली इंडियंस की रिस्पेक्ट क्यों देखी आप? क्या वो ईमानदार ज़्यादा? नहीं। फिर उनकी रिस्पेक्ट क्यों है? अब मैं इतना खुल के तो नहीं कह सकती। खुल के आपको बताना पड़ेगा, नो इशू, आप बता सकती हैं, कोई कोई मसला नहीं। नहीं, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ओपन बात हो जाएगी। आप बेफिक्र होके बताएं, चलाना मैंने या मैं, मुझे इशू होगा, आपको कोई इशू नहीं होगा? नहीं, मुझे भी हो जाएगा।
चले बहुत शुक्रिया आपका गैस, ये बता नहीं पा रही खुल के, मैंने कह भी रहा हूँ कि आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप बताएं। रिस्पेक्ट देखें कि मेरी इसलिए होगी अगर मैं आपके साथ लॉयल रहूंगा, मैं आपसे जो भी कोई भी कमिट करता हूँ मैं उस कमिटमेंट पर पूरा उतरता हूँ, तब मेरी रिस्पेक्ट होगी। अभी यूएसए जैसे कंट्री में जाकर पाकिस्तानी की रिस्पेक्ट नहीं है तो उसके पीछे क्या वजह है, क्या क्या लॉयल नहीं है? ऑफ कोर्स तो फिर पाकिस्तान लॉयल नहीं है मेरे ख्याल से। क्या हमारे पॉलिटिशियंस की वजह से भी एक तो रिस्पेक्ट होती है, क्या पॉलिटिशियन भी इसके जिम्मेदार? ऑफ कोर्स आपके पॉलिटिशियन बहुत बड़ा फैक्टर है। और सबसे बड़ी बात, दुनिया का मूर्ख से मूर्ख इंसान कभी लाइब्रेरी नहीं जलाएगा भाई, एक किताब नहीं जलाएगा, इन्होंने लाइब्रेरी जला दी मरसई में। तो ये एक ट्रेंड गजवाए फ्रांस है, यहाँ पे तुर्की बैठा है गजवाए फ्रांस को ऑर्गेनाइज, गजवाए यूरोप को ऑर्गेनाइज करने के लिए, वहां पे पाकिस्तान बैठा है गजवाए हिंद के लिए। ये मोडस ऑपरेंडी सेम है। लास्ट ईयर मुझे याद है कि यरूशलम में मस्जिद अक्सा, जो इस्लाम की तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस है, उसकी पिक्चर्स वायरल हुई थी, आपको गूगल पे मिल जाएंगी, उसके अंदर पत्थर के ढेर रखे हुए हैं। आप मुझे ये बताएं कि मस्जिद अक्सा में पत्थर के ढेर का क्या वास्ता? मस्जिद के लिए तो अल्लाह का हुक्म है कि सिवाय नमाज के आप कुछ भी नहीं कर सकते। प्रोफेट मोहम्मद से एक बार किसी ने पूछा कि मैं मस्जिद से कोई अपना पर्सनल ऐलान कर सकता हूँ, क्योंकि उस जमाने में अखबार, न्यूज़पेपर, टीवी वगैरह नहीं थे, तो जो भी चीज होती थी मस्जिद से ऐलान होती थी, छोटा सा इलाका होता था, सबको आवाज चली जाती थी। प्रोफेट मोहम्मद ने कहा कि तुम्हारी अगर कोई चीज गुम हो जाए ना, उसका भी ऐलान तुम मस्जिद से नहीं कर सकते। ये पत्थरबाजियां कर रहे हैं, टेररिज्म कर रहे हैं। यही चीज हमने देखा कि राम जन्म उत्सव जो था उस पे मस्जिदों की छत से पत्थर फेंके गए हिंदू जो पूजा करने के लिए जा रहे थे, तो हमारे इलाके से क्यों निकला? मैं आपको एक बात गारंटी से कहता हूं, मुझे शायद लोग फैसिस्ट कहें, गलत कहें, भारत का 200 मिलियन मुसलमान इलीगल है। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक मुसलमानों ने इस भारत से एक आजाद मुसलमान देश मांगा था। ना सिंध में मूवमेंट चली थी, ना पंजाब में चली थी, ना बलोचिस्तान में, ना केपीके में, कहां चली थी? आज के भारत के इलाकों में, यूपी, सीपी, ये मुसलमान थे जिन्होंने एक आजाद देश की और उस देश की डिमांड की थी जो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। हिस्ट्री में कभी पाकिस्तान नामी कोई देश नहीं था। आपने इस देश का बंटवारा करके अपने लिए अलग देश हासिल किया, तो आपको वहां जाना चाहिए, यहां नहीं रह सकते आप। ये अकॉर्डिंग टू ये जो पार्टीशन का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका भी यही वो था। बाद में नेहरू जी ने, लियाकत खान, अली खान ने मिलकर इसका किया पांचा कर दिया। देखें 1971 में जब पाकिस्तानी पंजाबी फौज बंगालियों का जेनोसाइड कर रही थी, तो पंजाबी फौज को नहीं पता था कि बंगाली कहाँ रहते हैं, इंटेलेक्चुअल्स कहाँ हैं, वो सब नहीं पता था कि मुक्ति बानी के लोग कहाँ हैं। मुखबरियां कौन कर रहा था? वो बिहारी जो 47 में बांग्लादेश गए थे, ईस्ट पाकिस्तान गए थे, वो बंगालियों के खिलाफ पंजाबी आर्मी के पार्टनर थे। अल शम्स, अल बदर, इनका दो टेररिस्ट ग्रुप थे, जेनोसाइड में शामिल थे। जब बांग्लादेश आजाद हुआ, बांग्लादेश ने क्या कहा कि इन बिहारियों को हम नेशनलिटी नहीं देंगे। तो आप लोगों ने देखा कि भाई कैसे शांति दूत सफेद कबूतर उड़ा रहे हैं फ्रांस में, जो एक फ्रांस क्रिश्चियन का देश था, आज वो तबाह हो चुका है भाई। वहां पर जो यानी कि स्कूल, गाड़ियां, सब कुछ के वहां पर ढांचा हो चुका है। तो ये क्यों हुआ है? क्या ये गलती भारत भी दोहराएगा? क्योंकि भारत के अंदर बहुत सारे रिफ्यूजीज हैं जो कि बांग्लादेश और रोहिंग्या, जो रोहिंग्या हैं मुस्लिम्स, वो आके बैठे हुए हैं और उनका पालन पोषण, खाना पीना खून दे रहा है। आप लोग को पता ही है भली बात, इसके बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है।